डॉक्टर साहब, लगातार यहाँ पे सिविल किलिंग्स होती जा रही है, आज आप यहाँ पे पहुंचे, सर क्या मैसेज है आपको? सर इनका मुकाबला करना है, हम सब ने हिम्मत से रहना है और डरना नहीं है इनसे, ये कभी कामयाब नहीं होंगे। जो भी ये सोचते हैं उसमें ये फेल हो जाएंगे, मगर हमने मजबूती से खड़ा होना है, सब ने, मुसलमान ने, सिख ने, हिंदू ने, ईसाई ने, जो भी हम हैं, हम लोगों को इकट्ठे खड़े होकर इनका मुकाबला करना। सर माइनॉरिटी से कंटिन्यूस अटैक से आपको लगता है कि जो हमें भाईचारे से खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए ये एक सिलसिला चल रहा है, सारे हिंदुस्तान में एक तूफान पैदा हो रहा है, मुसलमानों को और हिंदुओं को और सिखों को बांटा जा रहा है, और ये जो बांटने की सियासत है इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको बंद नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा, और अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो हमने इकट्ठे रहकर रहना है और तभी हिंदुस्तान आगे चलेगा। सर अभी आपने पाकिस्तान की बात की, तो पाकिस्तान जो है यहाँ पे नहीं आ सकते, हम हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसलिए थोड़ा सा बताएं क्या डॉक्टर साहब? उनको बताऊं, जमात में लोग आते हैं, लोग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम कुछ नहीं कर सकते वहां चले, इन लोगों की कुछ हौसला अफजाई तो कर सके, मुझसे कहने लगा क्या? मैंने कहा इंसानियत का कदर है, जिन्होंने कुछ नहीं जो अपनी जिंदगी मुश्किल में गुजार रहे थे, उनको राजा साहब के साथ में रहना पहुंचा उस छोटे से गुरुद्वारे में, पांच ही खाने जा रहे, हमने इन दलितों का मुकाबला करना है। यहां पाकिस्तान कभी नहीं बनेगा, भारत के हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेंगे, कुछ भी हो जाए। तुमने मुझे भी गोली मार दी, मैं तब्दील नहीं कर सकते, हमने हौसला रखना, इनका मुकाबला आप नहीं, हम सब ने करना।